चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ना इंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, साफ पे आके झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, साफ पे आके झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ये पैगू है मालूम है कि पिछले दो दहाइयों से एडहॉक डेलीवेजर्स और टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज का जो इशू है वो हल नहीं हो रहा है, और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी जो मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है, हमें बार बार सड़कों पर आना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे। हम बार बार ये मुतालबा करते हैं कि 61,000 जो डेली वेजर्स हैं उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया जाए, लेकिन सरकार तक हमारी बात क्यों नहीं पहुंच रही है और वो इन मामलों को हल क्यों नहीं कर पा रही है। हमें अफसोस हो रहा है सरकार की इस नाहिसी पर और सरकार की इस डामाडोल पॉलिसी पर। हम आज फिर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी की जुमला क़यादत आज इनके ताउन में, इनके सपोर्ट में और इनके हक में आज फिर प्रोटेस्ट पर आई है, और सरकार से हमारा पुरजोर मुतालबा है कि 61,000 जो डेली वेजर्स हैं उनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए, मिनिमम वेज एक्ट यहां पर लागू किया जाए। हम बार बार कह रहे हैं और हमारा मुतालबा रहा है कि जब तक आप रेगुलराइजेशन के लिए कोई पॉलिसी मरतब करेंगे तब तक यहाँ के जो 61,000 डेली वेजर्स, एडाक, टेम्प्रेरी और इस तरह के दूसरे मुलाजमीन हैं उनके हक में मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए, जिसके हक में बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है और कई स्टेट्स में यह लागू भी है, लेकिन यहाँ पर इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है। हमें इस पर अफसोस है और हम फिर एक बार आज अपनी क़यादत लेकर सरकार पर, सरकार को बावर कराना चाहेंगे कि वो जल्द अज़ जल्द इन मामलों को हल करे। आपको मालूम है कि इनको छोटी सी मामूली सी सैलरी दी जाती है और वो सैलरी भी पिछले 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने से बंद है, उसको भी वागुजार नहीं किया जा रहा है। हमारा फिर पुरजोर मुतालबा रहा है कि इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए। अगर सरकार ने आज के इस प्रोटेस्ट का भी नोटिस नहीं लिया तो हम मजबूर हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन अपनी फैमिलीज लेकर हर ज़िला में जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाएंगे, श्रीनगर में प्रोटेस्ट होगा, जम्मू में होगा, सारे मुलाजमीन सड़कों पर बैठेंगे और जब तक इनके मामला हल नहीं होंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे और उसकी और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होगी। अगर सेना के बहुत हर सरकार ने